सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ अभी बौद्ध गया में। मेरे पीछे देख रहे होंगे एक गौतम बुद्ध का बहुत ही अच्छा स्टैचू है, और अभी मैं हूँ ये सिल्वर टेंपल बौद्ध गया में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आज बौद्ध गया को एक्सप्लोर करेंगे। अभी सुबह का 9 बज रहा हूँ, होटल रूम में चेक इन कर लिया हूँ और अभी मैं निकला हूँ बौद्ध गया को एक्सप्लोर करने। मैं आज पूरा दिन और पूरा रात का टाइम है, सो देखते हैं। अभी स्टार्ट किया हूँ सिल्वर टेंपल से, फिर यहाँ से जाएंगे महाबोधि टेंपल, फिर 80 फीट बुद्ध है स्टैचू। सो वीडियो में बने रहे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर ले। सो चल के देखते हैं इस वीडियो में मेरे साथ, आपको भी बौद्ध गया का एक्सप्लोर कराते हैं। फिलहाल ये वीडियो का आप सिनेमैटिक व्यू देखिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, और फिर आगे आपको बाकी चीज़ भी दिखाते हैं। The marvelous epic of art and a treat to the eyes. ये मीठा बुद्धा टेम्पल एक अट्रैक्टिव आर्किटेक्चर है, जो कि वाइट कलर्ड का बुद्धा स्टैचू जो कि खुला आसमान में बैठा है, जो कि देखने में अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। वट थाई मॉनेस्ट्री, जो कि 1956 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के रिक्वेस्ट पर दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए थाईलैंड गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी। बौद्ध गया का सबसे खूबसूरत मॉनेस्ट्री में से एक माने जाने वाले इस मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की सुंदर ब्रॉन्ज मेटल की स्टैचू मौजूद है। ये मोनेस्ट्री बाकी मोनेस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जहाँ पे आप बहुत ही सुंदर फोटोज़ निकाल सकते हैं। वट थाई मोनेस्ट्री में दो चार फोटो क्लिक कराने के बाद मैं चला गया 80 फीट बुद्धा स्टैचू देखने, द ग्रेट बुद्धा स्टैचू। द ग्रेट बुद्धा स्टैचू बौद्ध गया में बौद्ध तीर्थ यात्रियों और पर्यटन मार्ग पर लोकप्रिय पड़ावों में से एक है। बुद्ध खुली हवाओं में कमल पर मेडिटेशन पोज और ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। ये 80 फीट बुद्धा स्टैचू का कंस्ट्रक्शन 1982 में शुरुआत हुआ था और 18 नवंबर 1989 में इनॉग्रेशन हुआ था। पर्यटक के लिए टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम का 6 बजे तक है। चाइनीज टेंपल एक शानदार बौद्ध मंदिर है, जिसे चीन बौद्ध भिक्षुओं ने 1945 में चीन सरकार के सहयोग से बनाया था। इसे वर्ष 1997 में रीइनोवेटेड किया गया था। टेंपल के वास्तुकला सुंदर इंडियन और चाइनीज डिज़ाइनों का एक मिक्सर है, स्पेशली टेंपल का बाहरी भाग जो एक जैसा दिखता है। मंदिर में 200 साल पुरानी बुद्ध की प्रतिमा है, जिसे चीन से लाया गया था और एक पवित्र मंदिर के रूप में स्थापित किया गया था। मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर में भगवान बुद्ध के 3 खूबसूरत सुनहरी मूर्तियां हैं, जो इस जगह का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ बौद्ध गया, एस्टैब्लिश्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 1956। इसमें 2nd century BC और 11th century AD तक का बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित कई मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ, जिसमें मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी का कुछ ऑब्जेक्ट्स, मूर्तियाँ और कॉइन्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा,
जो कि मुगल काल में इसे तोड़ दिया गया था। बोधगया में और भी बहुत सारा मोनेस्ट्रीज है जिसे आप देख सकते हैं समय निकाल करके। आर्कोलॉजिकल म्यूजियम घूमने के बाद मैं चला गया महाबोधि टेंपल, और ये महाबोधि टेंपल का एंट्रेंस गेट है। अभी हम लोग हैं महाबोधि टेंपल के अंदर। महाबोधि टेंपल में मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट अलाउड नहीं है, हालांकि इसके लिए काउंटर की सुविधा उपलब्ध है, आप जमा करा सकते हैं, और सिर्फ कैमरा अलाउड है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक ये बौद्ध गया का महाबोधि मंदिर, एक प्राचीन मंदिर जो कि पुनर्निर्मित और पुनर्स्थापित बौद्ध मंदिर जो कि 232 BC सम्राट अशोक के डायनेस्टी में बनाया। लगभग 250 ईसा पूर्व में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के लगभग 200 साल बाद मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने पवित्र स्थल पर एक मोनेस्ट्री और मंदिर स्थापित करने के लिए बोधगया का दौरा किया था, जो आज गायब हो गया है। ये वही बोधि वृक्ष है जो सिद्धार्थ गौतम के जीवन से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इसके नीचे ध्यान करते समय ज्ञान प्राप्त किया था। ये मंदिर बौद्ध वृक्ष से ठीक पूर्व में बनाया गया था। माना जाता है कि ये मूल बोधि वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है। छोटे छोटे मॉन्क्स जो कि बौद्ध का ध्यान कर रहे हैं और मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा नए ब्लॉग अपलोड करने के लिए। आपसे मिलता हूँ फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।